मोहन सरकार कैबिनेट की बैठक में इंदौर उज्जैन फोर लेन को सिक्स लेन करने के लिए बड़े फैसले लिए गए जो पीपीपी मॉडल पर बनाई जाएगी। बैठक में नई शिक्षा नीति पर भी चर्चा हुई है। प्रदेश नगरीय आवास एवं विकास तथा संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए। लगभग 1700 करोड़ रुपए की लागत से इंदौर उज्जैन फोर लेन सड़क को सिक्स लेन करने का फैसला लिया गया है जो पीपीपी मॉडल पर तैयार की जाएगी। बैठक में नई शिक्षा नीति पर भी जोर दिया गया। इंदौर उज्जैन जो रोड है अभी फोर लेन है उसको सिक्स लेन करने का निर्णय लिया है और ऐसे ही उज्जैन और इंदौर के बीच में एक हाथों से पैरेलल रोड बने उसकी भी तैयारी चल रही है। तो एक इंदौर उज्जैन मार्ग को फोर लेन से सिक्स लेन करने का निर्णय लिया। इसकी लागत लगभग 1700 करोड़ के आसपास होगी और यह पूरा पीपीपी मॉडल किया जाएगा। आज शुरुआत में ही कैबिनेट ने देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है कि भगवान राम का मंदिर जो बना है ये हमारे देश के आत्मगौरव को बढ़ाने वाला निर्णय है और निश्चित रूप से देश की जनता बहुत प्रफुल्लित है और मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।